बहुत अच्छी मछली है आज। आज तो भाग्यवान खुशी हो जाएगी। इन पके पके आमों को तो देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ऐसे में मैं ये मौका छोड़ कैसे सकता हूँ। हाँ, पकड़ लिया। आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। मेरे पेड़ से आम चुरा कर खा रहे हो ना, तुम्हें शर्म नहीं आती है? क्या कहा, शर्म? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो आम खाने में सिर्फ मीठा लगता है। ए, देखो 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 इसे, आप सभी कैलाश का कारनामा अपनी आंखों से देखो। ये कैलाश हर रोज मेरे बगीचे से आम खा लेता है। आज इस बात का फैसला होकर ही रहेगा। मेरा जो नुकसान हुआ है उसके लिए मुझे एक पेड़ आम की कीमत चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये क्या बोल रहे हैं आप चाचा जी, पूरे एक आम के पेड़ की कीमत? इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? ये सब मैं नहीं जानता हूँ। एक हफ्ते में अगर आम की कीमत मुझे नहीं मिली तो मैं जमींदार साहब से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, तुम्हें इस गांव से बाहर निकालवा दूंगा। क्या? क्या अब सिर्फ एक थैली ही बची है? एक काम करो, उसे भी खा लो। अब क्या करूं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या बोला आपने, बकरी ने सब्जी और बिल्ली ने मछली खा ली, और आप क्या कर रहे थे उस वक्त, बताइए? वो क्या है ना भाग्यवान, आम इतने ज्यादा स्वादिष्ट दिख रहे थे कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया, और बस उतने में चाचा जी वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने मुझसे कहा मुझे आम के पेड़ की कीमत चुकानी होगी, वरना वो मुझे इस गाँव से बाहर निकाल देंगे। अब मैं क्या करूँ भाग्यवान, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? दूसरों के पेड़ से आम तोड़ते वक्त कुछ नहीं सोचा, और यहाँ आकर मुझे बता रहे हैं कि गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। छी छी छी। शांत हो जाओ भाग्यवान, थोड़ा सा शांत हो जाओ। मुझे तो जोरों की नींद आ रही है। उठने के बाद जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। नींद से जागने के बाद खाना और खाने के बाद सोना, इसके अलावा और कोई काम आता है क्या आपको? देख कर तो लग रहा है कि यही वो घर है। ये रहा वो हाथी की तरह दिखने वाला इंसान, यमराज ने आज इसे ही उठाकर लाने के लिए बोला है ना। अब चलो भाई यमराज के घर। आप और कितने देर सोएंगे बताइए, अब आप उठ जाइए। क्या हुआ, आपके कानों में मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? अजी क्या हुआ, सुन रहे हो आप? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे बाप रे, मैं तो बर्बाद हो गई। अरे कोई है क्या, मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे, ये कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अजी आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हो? अरे ये क्या, मैं कहाँ हूँ? मैं सोया तो अपने घर में था, पर उठने के बाद मैं कहाँ गया? आप लोग कौन हैं और ये जगह कहाँ है? आप है कौन बताइए तो। यम, मैं यम हूँ। ये यम लोग हैं। इसका मतलब मैं, मेरी प्यारी भाग्यवान, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। क्या करूं मैं तो हम लोग आ गया। ओह, तुम रो मत शैलेश, तुम रो मत, मुझे रोना धोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कौन कौन
कौन शैलेश? अरे मैं तो हाथी कैलाश हूँ, मैं शैलेश नहीं हूँ। ये यमदूत, मैंने किसे कहा था और तुम किसे उठा कर लाए हो? ये वो नहीं है क्या? इसका मतलब मुझसे कोई गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। महाराज मुझे माफ कर दीजिए। छी, देख रहा हूँ आजकल तुम्हारा मन काम में नहीं लग रहा है, हमें माफ कर दो कैलाश, हमसे गलती हो गई है। तुम्हारा अभी तक यहाँ आने का समय नहीं हुआ है। ए यमदूत सुनो, तुम कैलाश को इसी वक्त पृथ्वी लोक पर छोड़कर सही व्यक्ति को यहाँ लेकर आओ, जाओ जल्दी जाओ। नहीं 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 नहीं, अब जब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि थोड़े दिन यहाँ रुक जाऊँ। यहाँ पर रुकूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, चारों तरफ घूमूंगा, मजा आ जाएगा। और तब तक आप है ना पृथ्वी लोक से असली वाले शैलेश को ले आना, तब तक मैं यहाँ पर मजे करूँगा। ये कैसे हो सकता है कैलाश? क्यों नहीं हो सकता है, गलती हुई है मतलब हुई है। यमराज जी ने अगर गलती की है तो उन्हें भी तो थोड़ी सजा मिलनी ही चाहिए ना। अगर आपने जबरदस्ती करके मुझे पृथ्वी लोक वापस भेज दिया तो याद रखिए मैं घर घर जाकर आपके बारे में बता दूंगा, फिर आप जानते हैं ना आपके मान और सम्मान का क्या होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा मत करना। तो तुम यहीं पर रहो, जितना दिन रहना चाहो रहो, तुम हमारे मेहमान हो। ए सुनो जरा, मेहमान का स्वागत करो। हाँ परफेक्ट खाना खा लिया, मजा आ गया। अब अगर मुलायम बिस्तर मिल जाए तो और भी मजा आ जाएगा। अच्छा यमराज जी, मुझे नींद लगी है, थोड़ी देर सो जाओ। पहरेदार सुनो, कैलाश को सोने के लिए बिस्तर दो। यमराज, इस इंसान ने तो एक बार में ही हमारे यमलोक का एक महीने का खाना खत्म कर दिया है, इसको आप अभी तुरंत पृथ्वी लोक भेज दीजिए। लेकिन कैसे भेजूं, आप ही बताइए चित्रगुप्त। वो कहते हैं ना कि जहरी जहर को काटता है, लग रहा है कि कुछ ऐसे ही तरीका अपनाना पड़ेगा। क्या मतलब महाराज? ना मुलायम बिस्तर है, अगर रोज ऐसा खाना और बिस्तर मिले तो पृथ्वी लोक पर वापस कौन जाना चाहेगा। यमराज जी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। क्या हुआ यमराज जी, आपने ऐसे हाथ क्यों रखा है? क्या बताऊं कैलाश, मैं क्या बताऊं, स्वर्ग और नरक में युद्ध छिड़ चुका है, युद्ध की वजह से ही यमलोक में खाने का अभाव हो गया है। ये क्या बोल रहे हैं आप, खाने का अभाव हो गया है? हाँ, तुमने सही सुना कैलाश, अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब हमें दिन में एक वक्त ही खाना खाना पड़ेगा। पुलाव, गोभी की सब्जी, मछली, मीट, चटनी, पापड़, संदेश, रसगुल्ले, वाह। तुम ये सब क्या उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हो चित्रगुप्त? हाँ, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? अरे नहीं महाराज, आज पृथ्वी लोक में कैलाश की श्राद्ध का भोज है, वहीं से खुशबू आ रही है। क्या इतना सब कुछ बना है? यमराज जी, मुझे लग रहा है कि आप मुझे वापस पृथ्वी लोक पर भेज दीजिए। अब वक्त आ गया है कि मैं पृथ्वी लोक पर वापस चले जाऊं और ये सारा खाना खाऊं। Thank you.
अरे ओ भाग्यवान, देखो मैं आ गया, मैं वापस आ गया, मैं लौट आया हूँ। इतने स्वादिष्ट पकवान बने हैं, मुझे तो भूख ही लग गई। अरे बाप रे, ये क्या? अरे बाप रे, भूत भूत, मुझे कोई बचाओ, मुझे मुझे कोई यहाँ से लेके जाओ, मुझे बचाओ। क्या हुआ चाचा जी? मैं यहाँ वापस सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए आया हूँ। बताइए अब बताइए, क्या आप मुझे गांव से बाहर निकालेंगे? आप बोलिए ना, क्या हुआ चाचा जी, बोलती क्यों बंद हो गई? अरे नहीं, मैं क्या पागल हूँ क्या? तुम इसी गांव में रहो कैलाश। अरे बाप रे, कोई बचाओ। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, उठो ना, देखो ना, मैं वापस आ गया हूँ। उठो उठो, एक बार देखो तो सही। हे ऊपर वाले, लगता है भाग्यवान इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। फिलहाल मैं इसे आराम करने देता हूँ। मैं हूँ हाथी कैलाश, मुझे खाना खाना बहुत पसंद है, लेकिन अपने श्राद्ध का खाना खुद ही खाऊंगा, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था।